स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसका उद्देश्य आपके भविष्य की यात्रा की दिशा को सही मार्गदर्शन प्रदान करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की विज्ञापन जारी की गई है, जिसमें कुल 1262 पद हैं। थी देख लीजिए, 21 नवंबर से स्टार्ट होगा और 14 दिसंबर तक ये चलेगा। तो भाई ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कब से स्टार्ट हो रहा है और कब से इसको भरना है। आवेदन की प्रक्रिया का ये देख लीजिए और देख लीजिए कि इन्होंने निर्देश क्या दिया है आवेदन संबंधी, कि किस तरह से लॉगिन करना है, OTP के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, इसमें क्या कैसे फ़ोटो हस्ताक्षर और अन्य विवरण कैसे अपलोड करने हैं ये देख लीजिए। और फीस की घोषणा यहाँ कर दी गई है। टोटल फीस हर किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी का 25 रुपये ही मात्र है। इसके बाद अगर आपका उसमें एग्ज़ाम देने में चयन होता तो फिर मेरिट लिस्ट में आते तो आपको एग्ज़ाम देने मिलेगा। ये देखिए फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। फॉर्म में संशोधन करने का भी विकल्प है। ये सीटों की संख्या देख लीजिए, ज़्यादातर सीट अस्थाई हैं, केवल 114 सीट ही अस्थाई हैं 1262 में से। ये 1148 सीट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा है और उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय से 114 सीट है। आरक्षण का देख लीजिए इसमें क्या है, आरक्षण का डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये अर्हता है, आपको क्या क्या चाहिए, CCC चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग का चाहिए, बाकी देख लीजिए। ये अधिमानी है प्रादेशिक सेना से और NCC से, एज का 18 से 40 वर्ष। चयन का आधार लिखित होगा और यह है सिलेबस आपका। सिलेबस में क्या है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता 60 प्रश्न, मतलब 60 प्रश्न है जिसमें से 30 अंक के होंगे, माने आधे आधे नंबर का एक प्रश्न है। और समान बुद्धि परीक्षण का भी 30 प्रश्न है जिसमें 15 अंक होंगे, यानी भी आधे आधे अंक का। और सामान्य जानकारी 40 प्रश्न होंगे जिनमें 20 अंक होगा, ये भी यानी आधे आधे अंक का होगा। और ये आपका सिलेबस है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ये देखिए टाइपिंग का नेचर क्या होगा देख लीजिए, लिखित परीक्षा संबंधित विशेष नोट। बस बाकी ये जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, इसको का ध्यान रखिए और फॉर्म भरिए। बाकी जब फॉर्म की तिथि कंप्लीट हो जाएगी तो इसका एक अलग से क्लास चलाया जाएगा। धन्यवाद।